मिशन रोजगार युवाओं के साथ योगी सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा में हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त किए गए 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना तथा संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से स्थित NIC केंद्रों के माध्यम से नवनियुक्त नलकूप चालकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य बुधवार को किया गया। जनपद गोरखपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित NIC सभागार में सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक संत प्रसाद, फतेह बहादुर सिंह, शीतल पांडे, संगीता यादव और जिलाधिकारी KVN पांडियन तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कुछ नलकूप चालकों को पदस्थापना नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नवनियुक्त नलकूप चालक आदित्य कुमार सिंह से संवाद स्थापित करते हुए निष्पक्ष पारदर्शी नियुक्ति और पदस्थापना के संबंध में चर्चा की गई। शेष नवनियुक्त चालकों को नलकूप निरीक्षण भवन में नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनियुक्त नलकूप महिला चालकों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करने वाले नवनियुक्त नलकूप चालक आदित्य कुमार सिंह और सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, मैं निवेदन करूंगा सर माननीय आज के इस निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के दृष्टि से आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी नौकरी प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः मैं आपका अभिनंदन। अरबी 1438 जूनियर इंजीनियर को धनतेरस के दिन आपके कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। अब हमारे नलकूप चालकों को आज प्रमाण पत्र मिल रहा है। इनके जीवन के लिए आज का एक अद्भुत 5 ट्यूबवेल चलाने के लिए रहता था, लेकिन जब आप 12,460 लोग इससे जुड़ जाएंगे तो अब हमारे 2 से 3 नलकूप, 1 नलकूप कहाँ घर है काम करेंगे कायदे से ना? बहुत सुंदर बताइए आपको काम करने के लखनऊ में कैसे करेंगे? बहुत सुंदर मेहनत करो। आपका चयन नलकूप ऑपरेटर के रूप में हुआ है सर, ऐसे लेन देन की कोई बात तो नहीं रही थी कहीं? कानपुर से शिवानी पाल ये महिला अभ्यर्थियों में सर्वोत्तम श्रेणी के रहा। वाह, कानपुर डीआरई की नलकूप ऑपरेटर के रूप में आपका चयन हुआ। सरकार ने आपको पूरी पारदर्शी व्यवस्था दी और जनपद में सर्वोत्तम रहा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते जी, बैठिए आप। गोरखपुर में कहाँ घर है आपका? सर गोरखपुर में वही डांगी पार में रूम लिए हुए हैं। अच्छा, घर मेरा देवरिया पड़ता है सर। देवरिया पड़ता है, वहाँ देवरिया के रहने वाले हैं और गांगी बाजार में आपका चयन हुआ है, गांगी बाजार के लिए हुआ है। हाँ सर। तो काम करेंगे मेहनत से? जी सर। ऐसा तो नहीं कि रोज देवरिया भाग जाएंगे फिर लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, नलकूप पे ताला लगा हुआ है और बाद में लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं सर, वही हम रहते हैं, रूम लिए हुए हैं ना तो वही रहते हैं। वही रहते हैं, मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई कहीं नहीं आ सकता पड़ी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो, सांसद जी आपके रवि किशन जी वहाँ बैठे हुए हैं, पता लगा मुंबई से फोन किए होंगे। नहीं नहीं सर, कहीं कुछ नहीं सर। महाराज जी, हर हर महादेव। महाराज जी प्रणाम आपके। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद साधुवाद की कुछ पहले टीचर्स लोग में भी महिलाएं आई 289 यहाँ गोरखपुर से। आज महिलाओं की शक्तिकरण और ये जो आप एकदम अद्भुत सा एक नया रूप धारण किए हैं, पूरा देश के प्रदेश के हर मुख्यमंत्री आपको देख रहे हैं और आपको अगुवाई समझते हैं। धन्यवाद महाराज जी, एक नए उत्तर प्रदेश को एक नया दिशा दे। फतेह बहादुर जी आप ही के क्षेत्र के रहने वाले थे, वहीं के गांगी बाजार में तो इनका क्षेत्र बढ़ता है। जी महाराज जी।
नहीं महाराज जी, इतना ना खौफ है आपका कि फोन खुद ही नंबर नहीं लगता। अगर किसी को करना भी है ना तो फोन अपने आप कट जाता होगा। महाराज जी 30 साल बाद नियुक्ति हुई है आपके आशीर्वाद से, ये बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि ट्यूबवेल्स पे ऑपरेटर नहीं थे। आपकी देन है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर अब हर ट्यूबवेल पे मिलेगी। और सरकारी नौकरी तो अभी सरकारी नौकरी अब हो रही है, पहले लोग जाते नहीं थे, तनखा लेते थे। ये नया शुरू हो गया कि अब सारे लोग डर के मारे सवेरे 9:15 पहुंच जाते हैं 9 बजे की ड्यूटी में। चलिए बहुत सुंदर, बधाई आपको आदित्य जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। एक ग्रुप कर तो जिन लोग पाए उनके साथ चलिए हो गया। ये अभी नहीं हुआ, अभी बाकी है। अरे बहुत बाकी, अभी बहुत लंबा फेम है। सर मेरा नाम सालू सिंह है, मैं गोरखपुर की हूँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, नियुक्ति पत्र मिला आज तो, मतलब पहली बार ऐसा, मतलब जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद अच्छा लग रहा है ये सब। सरकार के योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मतलब इतना अच्छा जॉब, मतलब निष्पक्ष तरीके से जॉब मिला। मेरा अमृता नाम है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रयास के बाद से ये एक नौकरी मिली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे थे 2-3 सालों से, अब जाके नियुक्ति पत्र मिला है। गोला में गोरखपुर मेरा निवास स्थान है, बिछिया PSC, और गोरखपुर से गोला इतना दूर मेरा हुआ है चयन रानीपुर में। अच्छा सरकार है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों का बिना किसी प्रयास अलग से, बिना किसी विधायक के कहे हुए या फिर किसी और की मदद से, सेल्फ से हुआ है, सेल्फ से नियुक्ति किया गया है, ये बहुत अच्छा है। सर प्रियंका सिंह। सर हम नियुक्ति पत्र पा के बहुत ही खुश हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सर अपने दम पे नौकरी पाया है। सर गोला में पोखरी गांव, ब्लॉक गोला है, पोखरी गांव में हमारी तैनाती है। सर सरकार को लेके ये कहेंगे कि यह भर्ती बहुत ही ईमानदारी से हुई है, जो हमने कहीं भी घूस वगैरह नहीं दिया है, अपनी मेहनत से एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है। आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला है, आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज बहुत खुशी मिली है और मैं यहीं गोरखपुर के खोराबार में कार्यरत हूँ और डांगीपार में मेरी नियुक्ति हुई है, डांगीपार ट्यूबवेल नंबर 300 पे। और मैं आज, और मैं अपने मम्मी परिवार का आशीर्वाद और माननीय हमारे महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है और अच्छा लग रहा है मुझे आज नियुक्ति पत्र मिलते हुए, क्योंकि काफ़ी प्रयास के बाद आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। महाराज जी से आज आपकी वार्ता हुई है, क्या वार्ता? महाराज जी से मेरी वार्ता हुई है, महाराज जी ने मुझे अपने कार्य को, मुझे सुझाव दिए हैं, मुझे कहे हैं कि मतलब अपने ट्यूबवेल पर 100% योगदान देना और कृषक किसान को 100% देना और अपने ट्यूबवेल पर अच्छे से जिम्मेदारी को निर्वाह करना, सिंचाई का ध्यान देना और जितने भी कृषि, जितने भी किसानों की समस्या, पानी की समस्या, उसको वहाँ पर रह के आप सुचारू रूप से संचालन करना। और मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार के बारे में क्या कहना है? इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निष्पक्ष
निष्पक्ष तरीके से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को सुचारू। साल बाद ही भइल बा तो मैं धन्यवाद दूंगा पूज्य महाराज जी को कि इन्होंने ये एक निष्पक्ष तरीके से जहाँ पे कोई जात धर्म नहीं देखा गया, कोई ये नहीं कि किसी ने फ़ोन किया किसी विधायक गण या सांसद गण ने या किसी मंत्री जी ने कि इनको नियुक्ति दी जाए, तो एक बहुत अच्छा होगा कृषि के लिए, जो किसानों को के लिए कैसे हमारी सरकार सोचती है, कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं, हमारे पूज्य महाराज जी सोचते हैं, वो कितने उससे सुविधा हो जाएगी, कितना साधन हो जाएगा और इतने लोगों को नौकरी पा लेना, ये एक बहुत अच्छी बात रही। तो आज करीबन गोरखपुर से 300 से ज़्यादा कुछ लोग अगल बगल से पाए हैं जिले से, और इन लोगों का तनख्वाह भी अच्छा है, और इन लोग इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें महिलाओं की भी नियुक्ति हुई है, जैसे अभी शिक्षक में भी आपने देखा होगा इक्वली रहा, जितने पुरुष पाए थे नौकरी उतनी महिलाएँ भी पाई, तो आज भी इक्वली महिलाएँ पाई हैं और सब काफ़ी टॉपर रही हैं, तो ये लोग बाकायदा ट्रेंड होकर आ रहे हैं, तो इसके लिए कृषि के लिए एक सुविधा हो जाएगी कि आप कैसे पानी कटना, कैसे खेत में उसकी कटाई होगी, कैसे पानी का एक मूवमेंट होगा, तो ये लोग बाकायदा सारे लोग ट्रेंड हैं, और आज बड़ी खुशी हो रही कि 35 साल बाद नियुक्ति हो रही है निष्पक्ष, और एक कृषि को एक नया आयाम दिया जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम दिया जा रहा है, एक नई ऊँचाई दी जा रही है, तो किसान मजबूत होंगे, किसान टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, जैसे कि चाइना में और सब जगह यूरोपियन कंट्री में खेती बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज वहाँ पर पढ़ाई करके टेक्निकली मदद मिलती है किसानों को सरकार द्वारा इस तरह के ऑफिसर्स से, तो ये सारे लोगों की नियुक्ति से हमारी कृषि, हमारे किसान, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान को एक नई ऊंचाई मिलेगी, और हम लोग वो हाई ब्रीडिंग से उन लोगों को खेती करने में बहुत एक एक्सपीरियंस ज्ञान मिलेगा, तो मैं इन सबको बधाई देता हूँ, सारे नए लोग हैं, दे आर वेरी, आप लोग खुश हैं, बिहार से आए, बड़ा वाह वाह, हर हर महादेव, तो तुम हमको देखने आयो कि नौकरी पाए, चला बहुत बढ़िया, लेकिन एक ईमानदारी से नौकरी करिए।